सो गाइस, चैनल मोनिटाइज होने के बाद हमें अपने एडसेंस से पेमेंट को रिसीव करने के लिए हमें अपने एडसेंस के अंदर बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ता है, तभी जाकर हम अपने पेमेंट को रिसीव कर पाते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने एडसेंस के अंदर बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। बट दोस्तों, बैंक अकाउंट ऐड करने की प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बैंक अकाउंट ऐड करने से पहले आपको अपने एडसेंस के अंदर यूएस टैक्स फॉर्म को फिल करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप यूएस टैक्स फॉर्म को फिल नहीं करेंगे तो आपके जो भी अर्निंग होगी उस अर्निंग से 30-40% काटकर ही आपको पेमेंट भेजा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर 30-40% टैक्स ना लगे तो आप अपने एडसेंस के अंदर यूएस टैक्स फॉर्म को फिल कर लीजिए। तो अगर आप भी अपने यूएस टैक्स फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, अभी तक नहीं किया है, तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर रखा है कि आप किस तरह से यूएस टैक्स फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन पे ऑल क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तो गाइस, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने एडसेंस के अंदर बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने जो कंप्यूटर है उसमें आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, जाकर अपने एडसेंस अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। देन लॉगिन करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आना है। जब यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उसी के ही नीचे आपको पेमेंट में क्लिक करते ही यहाँ पर आपको पेमेंट इन्फो का एक ऑप्शन आ जाएगा। आपको इसी पेमेंट इन्फो पे क्लिक कर लेना है। जब आप पेमेंट इन्फो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक और पेज खुलकर आएगा, कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो सिंपल सा आपको करना का है, ऊपर यहाँ पर पेमेंट अकाउंट का एक आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें यहाँ पर एडसेंस इंडिया लिखा है, तो आपको सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पर आपको एरो दिखेगा, इस एरो पे क्लिक करके आपको नीचे यूट्यूब इंडिया कर लेना है। जब आप YouTube इंडिया पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और पेज कुछ इस तरह से लोडिंग होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी एडसेंस में कितनी बैलेंस है वो यहाँ पर दिख जाएगा। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, हाउ यू गेट पेड, उसके ही नीचे यहाँ पर आपको एक पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसी पेमेंट मेथड पे क्लिक कर लेना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक और पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपकी पेमेंट की सारी डिटेल्स मौजूद होगी, तो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा पेज। सिंपल सा आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी आईडी, बैंक नेम, सारा आपने जो बैंक का डिटेल्स होता है उस डिटेल्स को फिल करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एक करके फिल करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर हमने सारी जो डिटेल्स है उसे फिल अप कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है बैंक और नेम अकाउंट, तो हमारी बैंक में जो भी आपकी नेम है तो वो नाम को यहाँ पर एंटर करेंगे। देन यहाँ पर एंटर करने के बाद गाइस, यहाँ पर हमें बैंक का नेम है, यहाँ पर हमें जो भी बैंक अकाउंट, बैंक में आपका अकाउंट है उस अकाउंट का बैंक का नेम को यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर जो है अपना HDFC बैंक को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक होते हैं उसमें पेमेंट जो है बहुत ही जल्द रिसीव होता है, इसीलिए मैं HDFC बैंक का जो अकाउंट है, HDFC में मेरी जो अकाउंट है उस अकाउंट को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम HDFC बैंक हमने क्लिक सिलेक्ट किया है। तो उसके बाद यहाँ पर जो IFSC कोड होता है, ये IFSC कोड जो है हमें एंटर करना है। आपकी जो बैंक अकाउंट है, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहाँ पर आकर जाकर आप पूछेंगे तो आपको IFSC कोड मिल जाएगा। तो देन IFSC कोड को एंटर करने के बाद गाइस, यहाँ पर हमें जो है स्विफ्ट VIC कोड को एंटर करना पड़ता है, क्योंकि ये जो कोड होता है, ये कोड होता है इंटरनेशनल पेमेंट को रिसीव करने के लिए। तो ये जो कोड है आप चाहो तो इंटरनेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं, या तो आप अगर अपने बैंक में जो भी ब्रांच में आपने खाता खोला है उससे जाकर आप पूछोगे,
उसके स्विफ्ट कोड क्या है तो आपको बैंक बता देगा। अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं और ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पर कोड मिल जाएगा। अगर नहीं चाहते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना कर दूं तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक अलग से वीडियो इसके बना दूंगा कि किस तरह से आप अपने ब्रांच के VIC स्विफ्ट कोड को निकाल सकते हैं। देन स्विफ्ट कोड को एंटर करने के बाद गाइस यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर हमने जो अपना अकाउंट नंबर को एंटर कर दिया है, देन नीचे आप आओगे थोड़ा स्क्रॉल करके तो फिर से यहाँ पर आपको जो है नीचे अपना री अकाउंट को एंटर करना है। दोबारा आपको यहाँ पर अपना अकाउंट एंटर करना है। तो गाइस यहाँ पर वो भी देखिए, हमने यहाँ पर री टाइप अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया है। देन आपको यहाँ पर नीचे एक चेक बॉक्स मिलेगा, आपको क्या करना है इसी चेक बॉक्स पे टिक कर देना है, बॉक्स को टिक करना है। देन नीचे आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस चलिए हम सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करते ही हमारा जो पेमेंट अकाउंट है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे थोड़ा रिलोड होगा और फिर हमारा जो बैंक अकाउंट है हमारे एडसेंस के अंदर वो बैंक अकाउंट जो है यहाँ पर एड हो जाएगा। तो गाइस चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पर जो हमारा बैंक अकाउंट था वो बैंक अकाउंट जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले कोई भी बैंक अकाउंट नहीं था, यहाँ पर अब जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। सो गाइस इसी तरह से आप जो है अपने एडसेंस के अंदर बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो कैसा लगा इस वीडियो की कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने एडसेंस के अंदर US टैक्स फॉर्म को फिल नहीं किया है और आप किस तरह से करेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख कर अपने एडसेंस के अंदर US टैक्स फॉर्म को फिल कर सकते हैं ताकि आपकी अर्निंग में जा कम से कम टैक्स लगकर ही आपको पेमेंट रिसीव हो। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।